बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर जो है ये कल के लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। कल के लेक्चर में बेसिकली हमने पैसिव फिल्टर्स से स्टार्ट किया था और पैसिव फिल्टर्स में हमने पैसिव फिल्टर्स का रिस्पांस जो है वो देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा हम पैसिव जो लो पास फिल्टर है उसको और थोड़ी सी डिटेल देखेंगे उसके, फिर उससे हम स्विच करेंगे टूवर्ड्स एक्टिव लो पास फिल्टर और उसका हम रिस्पांस देखेंगे। थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है वो उसकी ड्यूरेशन लेंथ ही होगी क्योंकि थोड़ा हैवी लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, कल हमने जो लो पास फिल्टर स्टार्ट किए थे, लो पास फिल्टर में हमने ये देखा था कि लो पास फिल्टर जो है एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने देखा था कि लो पास फिल्टर बेसिकली जो है वो पास करता है जो लो फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट होते हैं उन्हें, और जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अटैनुएट जो है वो करता है। जैसे आपने कल की क्लास में देखा था कि जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट था उसको हायर गेन मिल रहा था और जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट था उसको लो गेन मिल रहा था। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इसका कर्व देखें तो इसका जो कर्व है, अगर आप एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसीज को देखें और वाई एक्सिस पे आप जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पांस देखें, तो आपके पास इसका जो कर्व है या ट्रांसफर फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे मैक्सिमम और कांस्टेंट है, जिसको हमने के डी सी कह दिया है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ के डी सी। और फिर आके आके जो जो आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें तो ये आपका जो गेन है ये ड्रॉप होना शुरू होता है, और जब ये के डी सी की मैक्सिमम वैल्यू है, और के डी सी है क्या, के डी सी इज द गेन एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी डी सी गेन भी आप इसे कहेंगे, यानी जब आपकी फ्रिक्वेंसी जीरो होती है तो उस पॉइंट पे आपके पास जो गेन की वैल्यू है दैट इज नोन एज के डी सी। तो जब आपका गेन जो है वो 70% ऑफ योर मैक्सिमम गेन हो जाता है या 0.707 ऑफ योर मैक्सिमम गेन हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्रिक्वेंसी होती है, इस फ्रिक्वेंसी को आप लेबल करते हैं एज ओमेगा बीटा एंड दिस इज योर बैंडविड्थ। ठीक है, यानी बैंडविड्थ बेसिकली क्या है, बैंडविड्थ आपकी जीरो फ्रिक्वेंसी से लेकर ओमेगा बीटा तक की जो रेंज है ये आपकी बैंडविड्थ है। इस बैंडविड्थ के अंदर जो फ्रिक्वेंसीज फॉल इन करेंगी उनको ये पर्टिकुलर सर्किट मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है, और जो फ्रिक्वेंसीज इस ओमेगा बीटा से बियॉन्ड हैं उनको ये जो है वो अटैनुएशन प्रोवाइड करता है, यानी उन पे इसका गेन फॉल ऑफ करता है। अच्छा, अब इसमें फर्दर ऑन अगर हम देखें तो हम इस जो ट्रांसफर फंक्शन ही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसका हम स्केल चेंज कर सकते हैं, और इसका जब हम स्केल चेंज करते हैं तो हम इसको डीबी स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डीबी स्केल में कन्वर्ट कर दें तो जो आपके पास प्लॉट बनता है दैट प्लॉट इज नोन एज योर बॉडी प्लॉट। तो बॉडी प्लॉट जो होता है उसमें बेसिकली सिर्फ आप एक काम करते हैं कि आप जो स्केल है उसको कन्वर्ट करके 20 लॉग से डीबी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अब इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है ये हो जाएगा 20 लॉग ऑफ के डी सी, और उसके बाद ये गेन जब ड्रॉप होते होते 3 डीबी डिक्रीज हो जाएगा तो उस फ्रिक्वेंसी को आप कहते हैं ओमेगा बीटा। ये 3 डीबी का फैक्टर कैसे आया, अगर आप 0.707 यानी 1/√2 को डीबी स्केल में कन्वर्ट करें तो इसका रिजल्ट आता है -3 डीबी, यानी 70% ऑफ जब गेन अपने 70% पे आ जाता है या अपने मैक्सिमम के 70% पे आ जाता है, तो अगर आप उस चीज को डीबी स्केल में देखें तो डीबी स्केल में बेसिकली आपके पास गेन में 3 डीबी का रिडक्शन आ चुका होता है, -3 डीबी, क्योंकि आ रहे 0.707 को अगर आप डीबी में कन्वर्ट करें तो -3 डीबी शोज देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 3 डीबी। तो सिर्फ ये आपकी दो डिफरेंट स्केल्स हैं, इन दोनों स्केल्स में अगर आपने देखना हो तो बेसिकली आप किस तरह से देखेंगे, ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के दो मेथड्स हैं। अच्छा, तो ये हमने दोबारा से एक दफ़ा फिर जो है वो लो पास फिल्टर का रिस्पांस जो है उसके प्लॉट्स को विजुलाइज कर लिया। अब हम जो हमने कल लो पास फिल्टर देखा था उस वो दैट वाज अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, क्योंकि अगर आप उसमें एस डोमेन में देखें तो
तो ये हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री इज वन, और प्लस उसमें एक ही आपके पास कैपेसिटर कनेक्टेड था जो कि एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट था, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कॉम्पोनेंट था। तो दैट वॉज योर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमने कैलकुलेट कल किया था, दैट वॉज इक्वल टू के डी सी टाइम वन ओवर टॉ जे ओमेगा प्लस वन। के डी सी यहाँ भी जनरल फैक्टर है, कल के केस में हमारे पास ये के डी सी वन था, तो आप इसको अपने केस के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू सेट करेंगे। अभी हम इसको जनरल रहने देते हैं, आगे जाके आप देखेंगे कि इस के डी सी की वैल्यू वन के अलावा भी हो सकती है, तो इसीलिए अभी मैंने इसको जनरल के डी सी यहाँ लिख दिया। ये जो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ये आपको यहाँ जो है वो एक्सप्रेशन ये डिनोमिनेटर में लिखी हुई नजर आ रही है, जो मैंने कल डेरिवेशन की थी उसमें ये थी वन ओवर आर सी जे ओमेगा प्लस वन। तो आर सी को जस्ट यहाँ पर टाउ लिख दिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये वही कल वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये देखिएगा ये के डी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज अ मिस्टेक, के डी सी टाइम्स वन ओवर आर जे ओमेगा सी प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वलेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सिर्फ किया क्या है कि जो कल हमने गेन की एक्सप्रेशन कैलकुलेट की थी उसमें जो आर सी था, आर सी को हमने रिप्लेस कर दिया बाय टाउ। और आपको पता है कि जो ओमेगा होता है या ओमेगा बीटा होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आर सी सर्किट, वो होती है वन ओवर आर सी, या आप उसे वन ओवर टाउ भी लिखते हैं। तो इसी पर्टिकुलर जो आपके पास ये गेन की एक्सप्रेशन आई है, इसको इसमें अगर आप जे ओमेगा को एस से रिप्लेस कर दें और टाउ को आप वन ओवर बीटा से रिप्लेस कर दें, तो ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी के डी सी टाइम वन ओवर एस डिवाइडेड बाय ओमेगा बीटा प्लस वन, ठीक है। तो ये इसकी तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आपके सामने लिखी हैं। अगेन मैं मेंशन करता जो ये इक्वलेंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसको काइंडली नोट, ठीक है। सो एक फॉर्म ये आ गई, दूसरी फॉर्म ये आ गई, और थर्ड फॉर्म ये जो कल हमने की थी ये आ गई। के डी सी अभी आपके पास जनरल है, कल जो हमने इक्वेशन बिल्डअप की थी उसमें के डी सी वॉज इक्वलेंट टू वन, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको जनरल रखेंगे। तो अब हमने क्या कहा है कि के डी सी बेसिकली जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डी सी गेन होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर गेन की एक्सप्रेशन में डी सी गेन कैलकुलेट करना चाहें तो आप ओमेगा को जीरो प्लग इन कर देंगे, बिकॉज डी सी क्या होता है, जिसकी जब आपके पास फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को जीरो प्लग इन कर दें तो ये एच ऑफ जीरो आ जाएगा, ओमेगा की जगह जीरो आ गया आपके पास, और ये जो पूरा फैक्टर है आपके पास, ये पूरा का पूरा फैक्टर यूनिटी हो जाएगा और आप सिर्फ लेफ्ट आउट हो जाएंगे विद के डी सी। सो इसलिए हम इस के डी सी को कहते हैं कि दिस इज योर डी सी गेन, ठीक है। तो अगर आपका कल वाला जो सर्किट है उसको आप लेके चलेंगे तो के डी सी आपका सिंपली वहाँ वन था, तो वहां पे आपके पास एच ऑफ जीरो जो है वो वन के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखना है, ये तो वैसे आपके लिए ऑलरेडी फेमिलियर है कि ओमेगा बीटा वन ओवर आर सी के इक्विवेलेंट कैसे आता है। इसको आप एक दफा फिर देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं एच ऑफ ओमेगा जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ, तो मैग्नीट्यूड अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर इज अ रियल नंबर और के डी सी इज ऑल्सो रियल नंबर, तो उनका मैग्नीट्यूड तो वही होगा। डिनोमिनेटर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं वो होता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन प्लस टाउ ओमेगा स्क्वायर। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ओमेगा बीटा वो पॉइंट है जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड इक्वलेंट हो जाएगा 0.70 और वन ओवर अंडर रूट टू के। तो इसका मतलब है कि अब मुझे देखना है कि ये इक्वेशन वन ओवर अंडर रूट टू में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। ये इक्वेशन वन ओवर अंडर रूट टू में तब कन्वर्ट होगी जब आपका टाउ जो है वो वन ओवर ओमेगा के इक्वलेंट हो जाए, या ओमेगा जो है वो वन ओवर टाउ के इक्वलेंट हो जाए। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्वलेंट है। तो अगर आपके पास टाउ वन ओवर ओमेगा हो जाए या ओमेगा वन ओवर टाउ हो जाए और आप इसको प्लग इन करें इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा आपके पास के डी सी टाइम्स वन ओवर अंडर रूट। सो दिस मीन्स यहाँ आपके पास ओमेगा की वैल्यू वन ओवर टाउ अगर आप प्लग इन करें या टाउ को वन ओवर ओमेगा प्लग इन करें, तो आपका जो गेन है वो मैक्सिमम गेन से 0.707 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप बिल्डअप हुई है कि आपके पास ओमेगा जो है वो किस तरह से वन ओवर टाउ के इक्वलेंट हुआ या किस तरह से वन ओवर आर सी के इक्वलेंट हुआ। दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये आप नेटवर्क एनालिसिस से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप यू रिमेम्बर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बेसिकली जो हमारा पैसिव फिल्टर है उससे हम स्विच करेंगे टुवर्ड्स एक्टिव फिल्टर। तो
ये पैसिव फिल्टर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज सिंपली एन आरसी सर्किट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पैसिव फिल्टर के साथ एक बफर अगर इनपुट साइड पे ऐड कर दें, तो ये मैंने बफर इनपुट साइड पे ऐड कर दिया। बफर से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बफर जो है वो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का एक एप्लीकेशन है, जिसमें आपके पास जो फीडबैक पाथ होता है वो आप बेसिकली उसको जीरो कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं, और इसका जो गेन होता है दैट इज यूनिटी। तो इसमें जो इनपुट वोल्टेज होती है वही आपके पास आउटपुट वोल्टेज होती है। तो इस बफर को इनपुट पे ऐड करने का क्या फायदा हुआ कि ये इनपुट साइड पे आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि जो इनपुट इसके यहाँ इनपुट पे अपेयर हो रहा है वो ही ये यहाँ पर जनरेट करेगा। तो अब अगर आप यहाँ सर्किट के अंदर कोई चेंज भी करते हैं तो जो आपका इनपुट या बफर को मिल रहा है वो ही ये यहाँ पर जनरेट करके देगा। सो दिस मीन्स यहाँ सर्किट के अंदर कोई भी चेंज जो है वो इस जो सर्किट का इनपुट है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, सो दिस मीन्स आपकी इनपुट जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। आपके सर्किट के अंदर कोई भी अगर चेंज आती है तो उस चेंज का इफेक्ट जो है वो इनपुट वोल्टेज के ऊपर नहीं होगा, ये बफर ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पर इस्टेब्लिश करके आपको देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने वी इन को ये जो आपका सर्किट है इससे आइसोलेट कर दिया। अब अगर यहाँ पे कोई चेंज भी आती है, कोई कंपोनेंट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो इनपुट वोल्टेज उससे इफेक्ट नहीं होगी, यही इनपुट वोल्टेज आपको इस बफर के आउटपुट पे इस्टेब्लिश मिलेगी। तो ये आपने क्या किया, आपने बेसिकली उसी पैसिव फिल्टर के अंदर एक ऑप एम्प बेस्ड बफर ऐड करके उस पैसिव फिल्टर के अंदर आइसोलेशन को ऐड कर दिया। या आइसोलेशन को ऐड करने से क्या होगा, एक तो ये कि जब ये ऑप एम्प यहाँ पे ऐड हो गया तो ये वी इन एज इट इज यहाँ पे जनरेट होके आपके पास आएगा, तो आइसोलेशन आपको इनपुट साइड पे मिलेगा। यही आइसोलेशन आप आउटपुट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, यानी हम बजाय इनपुट साइड के आउटपुट साइड पे अगर बफर ऐड कर दें तो अब आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट इस बफर के आउटपुट पे आएगा। और अब अगर आप लोड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इस आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बफर ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, जो आपके सर्किट का आउटपुट है उसको ये यहाँ पास ऑन कर रहा है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे बफर ऐड ना हो और आप लोड ऐड कर दें तो लोड ऐड करने से क्या होगा, इस सर्किट का रिस्पॉन्स ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लोड कैपेसिटर के पैरेलल में आ जाएगा। जब ये कैपेसिटर के पैरेलल में आ जाएगा तो फिर सर्किट का रिस्पॉन्स आपको री इवेलुएट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आइसोलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, यानी आप आउटपुट को आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द सर्किट, तो अब आप यहाँ पर आउटपुट के बाद कोई भी कंपोनेंट्स ऐड करते जाएं तो उससे सर्किट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और आउटपुट वोल्टेज आपकी वही कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये तो अभी हमने सिंपली क्या किया, हमने सिर्फ बफर ऐड किया, तो बफर जो है वो सर्किट के रिस्पॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसमें हमने जो आरसी सर्किट है उसको फीडबैक पाथ में इंक्लूड कर दिया। यानी अब अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और इस इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो आरसी सर्किट है उसको फीडबैक पाथ में ऐड कर दिया। अब हमने देखना ये है कि अगर हम फीडबैक पाथ में इस आरसी सर्किट को ऐड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके सर्किट के रिस्पॉन्स पे क्या आएगा, या ये रिस्पॉन्स जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने ये रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है, यानी अब हम इसका जो वी नॉट बाई वी इन है वो कैसे डिराइव करेंगे। जनरली हमें ये पता है कि अगर आप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन देखें तो दैट इज माइनस R2/R1, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो माइनस साइन आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आप बात करें या डीसी के ऊपर आप बात करें, यानी अगर आप यहाँ जो वीन अप्लाई कर रहे हैं वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है, तो आपको ये पता है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी सिग्नल्स के लिए एज ओपन सर्किट एक्ट करता है, तो ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो आपके पास वही पुराना सर्किट बन जाएगा, यानी -R2/R1 या -RF/R1, वही गेन आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो जो आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फिर ये कैपेसिटर इन अकाउंट आएगा, और जब ये कैपेसिटर इन अकाउंट आएगा तो फिर आपको वी नॉट बाई वी इन को दोबारा से री इवेलुएट करना पड़ेगा। सो दिस मीन्स जब आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी अप्लाई होना शुरू होगी या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फिर आपको इस सर्किट का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अब जब हमने इसका रिस्पांस कैलकुलेट करना है तो हम वही मेथोडोलॉजी ऑप्ट करेंगे। ये जो आर एफ और सी इन पैरेलल लगे हुए हैं, इनकी जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसको हम कह देते हैं सी इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये इनपुट रेजिस्टेंस है आपके पास R1, और यहाँ आपने वी इन अप्लाई किया। तो आपको पता है कि जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास प्लस टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्योंकि ग्राउंडेड है, तो आपका यहाँ वोल्टेज भी 0 वोल्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से आपके पास जो इनपुट करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वी इन डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। जो आपके पास इनपुट करंट आएगा वो आ जाएगा वी इन डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि वो होगा वी इन -0 डिवाइडेड बाय R1। और अगर आप यहाँ से जो लीविंग करंट है उसको देखें तो वो, क्योंकि इधर ऑपएम में कोई करंट एंटर नहीं हो रहा, तो वो लीविंग करंट आपके पास आएगा 0 -V0 डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट, यानी ये जो टोटल इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इसके और ये दोनों करंट, जो एंटरिंग करंट है और जो लीविंग करंट है, वो इक्वल होंगे आपस में। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन बिल्डअप कर ली, वी इन डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू -V0 डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट, और यहाँ से आप रीअरेंज करें तो V0 बाय V इन आ जाएगा -Z इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1। अब हम देख लेते हैं कि Z इक्विवेलेंट क्या है। Z इक्विवेलेंट इज बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RF एंड द कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किस तरह करते हैं, R2 इनटू R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, तो वही हमने किया है, RF इनटू द इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय RF प्लस इंपेडेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। और फिर हमने सिंपली क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने LCM कंप्यूट किया। LCM कंप्यूट करने से ये कैंसिलेशन हुई आपके पास, और जो आपके पास बाकी फैक्टर Z इक्विवेलेंट में आ गया वो आ गया RF डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा C RF। तो ये Z इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, अब आपने जो V0 बाय V इन कैलकुलेट किया था ये ऊपर, विच वाज -Z इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1, इसमें आपने Z इक्विवेलेंट को प्लग इन कर दिया। ये Z इक्विवेलेंट आपके पास कैलकुलेटेड है, इसको आप प्लग इन कर दें, -Z इक्विवेलेंट की जगह आपने Z इक्विवेलेंट को प्लग इन कर दिया, और फिर आप सिंपली इसको रीअरेंज करके लिख दें, -RF डिवाइडेड बाय R1 इनटू 1/1 प्लस j ओमेगा C RF। अब आप देखें कि इस -RF डिवाइडेड बाय R1 जो है, इसको अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी फैक्टर है ये वही लो पास फिल्टर का रिस्पांस है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। जो ऑप एम्प है उसको ऐड करने से ये -RF बाय R1 का फैक्टर आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। ये जो -RF बाय R1 का फैक्टर ऐड हो गया, ये एक स्केलिंग फैक्टर बन गया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो आपका फिल्टर है उसके जो रिस्पॉन्स है उसमें स्केलिंग कर सकते हैं, यानी आप उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी आप उसमें गेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पैसिव फिल्टर था उसमें आप गेन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, यहाँ आप गेन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपके पास -RF बाय R1 जो है ये गेन आ रहा है। माइनस साइन तो बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रही है, माइनस साइन इंडिकेट कर रही है कि आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ रहा होगा, तो वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में। तो बेसिकली माइनस साइन जो है वो फेज को शो कर रहा है। तो अब ये एच ऑफ ओमेगा आपने डिराइव कर लिया, एच ऑफ ओमेगा इज बेसिकली वी नॉट बाई वी इन, ये आपके पास डिराइव होके आ गया। अब हम इसके फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जब हम इसके फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स में आपने बेसिकली एक तो देखना है इसका मैग्नीट्यूड और एक आपने देखना है इसका फेज। मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो मैग्नीट्यूड में RF बाय R1 रियल नंबर है, वो तो उसी तरह से आ जाएगा। और फिर जो उसके बाद ये वाला फैक्टर है, इसमें भी न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड वही होगा 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + RF C ओमेगा² यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और इसका अगर आपने फेज निकालना है तो फेज जो आपने निकाला है वो आपने निकाला है माइनस की वजह से 180 डिग्री, और न्यूमरेटर का फेज तो आपके पास 0 है, और जो डिनोमिनेटर का है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री -tan inverse RF C ओमेगा, ये जिसका हमने पहले भी ऑलरेडी देखा हुआ है कल की क्लास में भी, कि आपने इसका फेज रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लिया। 180 डिग्री का फेज किस वजह से आया है, इस माइनस की वजह से। और RF बाय R1 रियल नंबर है, तो वो तो कोई फेज इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और 1 जो न्यूमरेटर है वो भी कोई फेज इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। तो 180 जो फेज आपका आ रहा है माइनस साइन की वजह से, उसमें से ये जो डिनोमिनेटर का फेज है ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज योर फेज।
ऑफ दिस रिस्पॉन्स। अब आप अगर देखें के डी सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, के डी सी कैलकुलेट करने के लिए आपको ओमेगा को जीरो के इक्विवेलेंट प्लग इन करना है। तो अगर आप ओमेगा को जीरो प्लग इन कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं अगर आप मैग्नीट्यूड देखना है, और अगर आपने ओवरऑल रिस्पॉन्स देखना है तो आप जो है वो ओरिजिनल जो इक्वेशन आपके पास आई थी उस इक्वेशन में भी कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने, जब आपने के डी सी निकालना है तो आपने ओमेगा को जीरो प्लग इन कर देना है। जब आप ओमेगा को जीरो प्लग इन कर देंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपके पास यूनिटी बन जाएगा, और के डी सी आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर1। ठीक है, और ओमेगा बीटा जो है वो आपको पता है कि ओमेगा बीटा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा बीटा एग्जैक्टली उसी तरह से कैलकुलेट होगा जिस तरह पिछले पार्ट में हुआ था। ये फैक्टर के डी सी हो गया, और इस फैक्टर को आपने देखना है कि ये फैक्टर कब 1/√2 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये उस वक्त 1/√2 के इक्वलेंट होगा जब ओमेगा आपके पास 1/RF टाइम्स सी हो जाएगा, तब ये पूरा फैक्टर 1/√2 बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास ओमेगा बीटा कैलकुलेट हो जाएगा 1/RF टाइम्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर फिल्टर की गेन कैलकुलेट हो गया, केडीसी कैलकुलेट हो गया, और बैंडविड्थ कैलकुलेट। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको प्लॉट कर दिया। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो अब के डी सी आपके पास आर एफ बाय आर वन है। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ मैंने माइनस साइन ही शो किया। ठीक है, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया और नीचे मैंने फेज प्लॉट किया। तो अब आपके पास जो मैक्सिमम गेन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ विद आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन से, और ये ओमेगा बीटा के ऊपर आके ड्रॉप हो जाएगा 1/√2 टाइम्स के डी सी या 0.707 टाइम्स के डी सी, ये आपके पास आ गया। तो जो ओमेगा बीटा से पहले वाला रीजन है इसको आप कहेंगे पास बैंड, यानी इस रीजन की फ्रिक्वेंसी का अगर सिग्नल होगा तो ये उसको मैक्सिमम गेन के साथ पास करेगा, और अगर फ्रिक्वेंसी इसको जो है वो एक्सीड करती है ओमेगा बीटा को तो इसको आप कहेंगे स्टॉप बैंड, यानी यहाँ आपको उस सिग्नल को ये जो आपका फिल्टर है ये अटेनुएशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फेज रिस्पॉन्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो फेज रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा 180 डिग्री से, और जो जो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे ये ड्रॉप होते 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 जब फ्रीक्वेंसी आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। आपको पता है कि जो आरसी सर्किट होता है बेसिकली वो 90 डिग्री का फेज जो है वो मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करता है, तो ये 180 डिग्री से अगर स्टार्ट हुआ है तो रिड्यूस होते होते 90 डिग्री तक। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको ये कहा गया कि आपने एक इन्वर्टिंग लो पास फिल्टर डिजाइन करना है जिसका डीसी गेन -2 है और जिसकी बैंडविड्थ जो है वो 500 रेडियंस पर सेकेंड है। डिजाइन अगर करना है तो बेसिकली आपने आर एफ सी और आर वन को कैलकुलेट करना है। तो अब इक्वेशंस बिल्डअप करनी होंगी हमें, तीन हमारे पास अननोन्स हैं। देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस इस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कितनी बिल्डअप हो सकती हैं, क्योंकि हमें दो पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो दिस मीन हमारे पास दो ही इक्वेशंस बिल्डअप होंगी। अच्छा, जब दो इक्वेशंस हमने बिल्डअप करनी है तो ये जनरल एक्सप्रेशन है इस फिल्टर के रिस्पॉन्स की जो भी आपने डराइव की, और डीसी गेन क्योंकि हमें गिवन है, डीसी गेन इज बेसिकली माइनस आर एफ बाई आर वन, तो ये आ गया -2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और ओमेगा बीटा हमें गिवन है 1/RF टाइम्स सी जो कि 500 पर। तो एक इक्वेशन डीसी गेन से हमारे पास बिल्डअप होगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बिल्डअप हो गई विद द हेल्प ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ। आपके पास इक्वेशंस दो हैं और अननोन्स तीन हैं, तो एक किसी वैल्यू को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं आर वन को टू बी 1 किलो ओम। अगर आप इस इक्वेशन में आर वन को 1 किलो ओम अज्यूम कर लें तो आर एफ जो है वो ऑटोमेटिकली 2 किलो ओम आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। जब आर एफ भी कैलकुलेट होगी तो अब इस इक्वेशन में सिर्फ कैपेसिटर अननोन रह गया, तो आप अगर कैपेसिटर को यहाँ पे प्लग इन कैलकुलेट करने के लिए आर एफ को 2 किलो ओम प्लग इन करें तो कैपेसिटर ऑटोमेटिकली आपके पास 1 माइक्रोफेरेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप डिजाइन जो है वो खुद से कर सकते हैं। डिजाइनिंग पैरामीटर्स जो है वो है आपके पास आर एफ आर वन और सी, तो आर एफ आर वन और सी को एडजस्ट करके आप डीसी गेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। डीसी गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस, डीसी गेन में कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है, डीसी गेन जो है वो सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो
और बैंडविड्थ जो है उसमें R1 का कोई रोल नहीं है, जो बैंडविड्थ है दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर फीडबैक पाथ, ठीक है। तो फीडबैक पाथ की हेल्प से आप जो है वो बैंडविड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग पैरामीटर्स बेसिकली आपको, या तो आप दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, या तो आपको सर्किट दे दिया जाए और आपको ये कैलकुलेट करने को कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सर्किट की बैंडविड्थ कितनी है और इसका डीसी गेन कितना है, या फिर आपको डीसी गेन और बैंडविड्थ प्रोवाइड करके सर्किट डिजाइन करने को कहा जा सकता है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकता है, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपके जो है वो लूंगा। अमार का क्वेश्चन है मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सर। सर जी, ये जहाँ पे आपने जी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया वहां से मुझे समझ नहीं आई, वहां से मुझे बता दे प्लीज। जी इक्विवेलेंट जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। जी सर। अच्छा, ये जो हमारे पास सर्किट था इसमें जो फीडबैक वाला पाथ था, इसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में आ रहे थे। तो जब वो दोनों पैरेलल में आ रहे थे तो उन दोनों को पैरेलल में लिखने के बजाय वो एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट कर सकते थे, तो इसलिए मैंने उनकी जगह जी इक्विवेलेंट यूज कर लिया, वेयर जी इक्विवेलेंट वाज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ RF एंड C। और फिर जब मैंने जी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया तो जी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैंने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लिया। ये आपका ठीक है जी। सर। सर ये फर्स्ट पेज के ऊपर आपने KDC की ग्राफ से बताया था, वो बता दें। फर्स्ट पेज पे, जी सर, फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे ये जो मैंने जी हाँ कर्व सर। आपको बताई थी, ये लो पास फिल्टर का जनरल रिस्पांस था, जिसमें मैंने जो डीसी गेन है उसको यहाँ KDC लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कल तक हमने जितना एनालिसिस किया था उसमें KDC हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट आता था, लेकिन आज के केस में ये KDC हमारे पास आपने देखा है R2/R1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो बेसिकली ये जनरल टर्म मैंने रखी है। स्टार्ट आपका डीसी गेन से होगा और डीसी गेन जो होता है वो ओमेगा इज इक्विवेलेंट टू 0 पे होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये गेन फॉल ऑफ करेगा और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे ये 70% ऑफ योर KDC हो जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया सर। वेलकम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी बिलाल। जी सर, ये ग्राफ समझना था 180 डिग्री और 90 वाला जो आपने बताया था। फेज रिस्पांस का? जी अच्छा। अच्छा, जो RC सर्किट होता है बेसिकली उसका अगर हम फेज रिस्पांस देखें तो RC सर्किट का जो फेज रिस्पांस है, अगर आप पिछले लेक्चर्स को थोड़ा सा देखें तो RC सर्किट जो है वो फेज को मैक्सिमम, जब फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज होती है तो -90 डिग्री तक लेके जाता है, ठीक है। तो वो RC सर्किट को अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें तो वो 90 डिग्री का फेज इंट्रोड्यूस करता है। तो जब ओवरऑल इस सर्किट का हम रिस्पॉन्स देखेंगे तो इस सर्किट में ये माइनस का जो फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये माइनस का फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द ऑप एम्प सर्किट जो आपने इन्वर्टिंग ऑप एम्प ऐड किया है। तो ये माइनस का जो आपके पास साइन आ रहा है ये 180 डिग्री का फेज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है। तो इसका मतलब है इनिशियली आप जो है वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे स्टैंड कर रहे हैं ड्यू टू दिस माइनस साइन। और फिर आप जब RC सर्किट का फेज इसमें एम्बेड करेंगे तो RC सर्किट का फेज जो है वो क्योंकि 90 डिग्री फॉल ऑफ करता है, तो इसका मतलब है कि आपका इनिशियल फेज क्योंकि 180 डिग्री है तो इससे फॉल ऑफ होते 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 आप जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो उस पे 90 डिग्री पे आएंगे। अगर इंडिपेंडेंटली RC सर्किट होता था तो वो आपके पास -90 डिग्री तक जाता था, फ्रॉम 0 अप टिल -90 डिग्री। तो अब क्योंकि इनिशियल फेज आपका 180 डिग्री है तो अब आपका जो फाइनल फेज होगा वो -90 डिग्री अगर आप इसमें ऐड करें तो वो 90 डिग्री बनेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
ओके एनी अदर क्वेश्चन? सर ये 90 डिग्री वाली बात बता दें दोबारा कि रिड्यूस क्यों होता है 90 डिग्री? ये आप अगर जहां हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था ना, जो बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स हैं लॉकडाउन के बाद, जी उनमें हमने जी जी कवर किया हुआ है कि जो आपके पास आरसी सर्किट की वजह से फेज इंट्रोड्यूस होता है, वो जो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फेज लैग आना शुरू होता है, वो मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाता है। तो ये ठीक है सर। आपके पास इंडिपेंडेंटली आरसी सर्किट का फेज लैग है, और अगर आप इसमें माइनस आरएफ बाय आर1 का ऐड कर दें तो 180 डिग्री वहां से आ जाएगा। ओके यू कैन रेज हैंड जी इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सर मैं लेट हो गया था आज के लेक्चर में और कल का अटेंड नहीं किया, तो ये सर काइंडली आप अपलोड कर दें उस पे, अब तक नहीं हुई कल का। ठीक है, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों अपलोड होंगे जो न्यू गूगल क्लासरूम है उस पर। और इसमें एक और चीज़ आपने चेक करनी है कि जो मैंने न्यू गूगल क्लासरूम है उसमें जितना पुराने गूगल क्लासरूम का डेटा है उसका मैंने लिंक शेयर किया है, तो वो आप लोगों ने चेक करना है कि क्या वो एक्सेसिबल है आपको या नहीं, उस पर भी मुझे फीडबैक दे दीजिए। जी एनी अदर क्वेश्चन? मेक श्योर आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें। जी नमान। सर आपने जो R1 की वैल्यू 1 के रखी है ना एग्जांपल में, सर हम इसके अलावा कोई और भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी वैल्यू ज़ूम करेंगे तो आरएफ जो है उससे डबल ही आएगी। ओ फिर सर उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी। जी बिल्कुल उसी के हिसाब से। जी थैंक यू सर। वेलकम। जी आवर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बस क्वेश्चन तो नहीं सर, बस एक बात आपसे इतनी पूछनी सर, वो कल आपने अटेंडेंस की बात की थी ना, आपने कहा था कि मैंने कोऑर्डिनेटर को ये भेजनी अटेंडेंस जो हम गूगल क्लासरूम में या फिर यहाँ लाइव सेशन में आपके साथ इंटरेक्शन होता है जी। सर वो भेजने से पहले कोऑर्डिनेटर को अगर आप वो एक्सेल शीट एकदम ग्रुप में भेज दें देखने को अटेंडेंस हुई जब अटेंडेंस शीट जब आपकी इस वीक की क्लासेस एंड हो जाएंगी तो फिर मैं अटेंडेंस शीट अपडेट करूंगा। उस अटेंडेंस शीट में 2 वीक्स का तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो इस लाइव क्लास का तो जूम चैट से आएगा, और 2 वीक से पहले 1 वीक का डेटा जो है वो गूगल क्लासरूम पे आपको याद होगा मैंने अटेंडेंस क्रिएट की थी 3 जी सर, 1 वीक का वहां से आएगा। उससे पीछे का जो डेटा है वो फिर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जितने स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पे एनरोल्ड है उन सबकी फिर मैं प्रेजेंट मार्क करूंगा। सर बस सर आप जो जो भी फाइनली आपकी शीट होगी सर बिजनेस पर एक दफा आप सर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। ओके जी मोइन। सर ये आपने जो केडीसी की वैल्यू निकाली है उसमें सर ये हम डीसी केंग को क्यों जीरो किया सर, मेगा को जीरो क्यों किया? बेटा जो डीसी होता है आपके पास डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है ना? जी जी इस वजह से अगर आपके पास f जीरो है तो दिस मींस ओमेगा भी जीरो होगी बिकॉज़ ओमेगा इज 2 पाई f। ठीक है तो जो kdc आपके पास कैलकुलेट होगा वो एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो कैलकुलेट होगा।
आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन. सो अच्छा सलमान का कोई क्वेश्चन है, लेट्स सी. जी सलमान. अस्सलाम वालेकुम सर. सर अगर जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, मतलब जब यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, तो सर अगर उन टॉपिक्स में से कोई कंफ्यूजन है, कोई न्यूमेरिकल अगर इशू कर रहा हो तो आपसे पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं. आप उसको गो थ्रू कर लें और जो क्वेश्चंस हैं वो, जिस तरह से कल हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन है, वो अभी के जितने सेशंस हैं उनसे रिलेटेड है. तो इसी तरह नेक्स्ट वीक में मैं फिर एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो लॉकडाउन से पहले वाले टॉपिक्स के लिए रख लूंगा, तो उसमें आप पूछ लीजिए. जी सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, जरूर. ओके थैंक यू सर. ओके आई एंड टुडेज सेशन. तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट 4:30. और कल हम जो फ्रेश कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, जो लॉकडाउन के बाद जितने भी लेक्चर्स हैं आपके पास उनमें से स्टार्ट के लेक्चर्स तो हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो ADC, DAC और ये जो इस वीक में हमने पार्ट कवर किया इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी इश्यूज हैं तो आप कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.